नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। घरों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, ये मैं नहीं कह रहा। दरअसल जेरल की एक रिपोर्ट आई है जो कहती है कि घर महंगे हो रहे हैं। दरअसल जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट यानी जहां पर जमीन से घर बनाए जाते हैं खाली जमीन पर, उसे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं। और दूसरे प्रोजेक्ट जो होते हैं जहाँ पर एग्जिस्टिंग इमारतें होती हैं उन्हें तोड़कर वहाँ पर नई इमारत बनाई जाती है, या स्लम रीडेवलपमेंट होते हैं जहाँ पर स्लम्स होते हैं, चॉल्स होते हैं, छोटे छोटे शैंटीज होते हैं, उन्हें तोड़कर वहाँ पर नई इमारत बनाई जाती है। तो नए प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं, इनका कहना है कि उसमें बढ़त हो रही है और ये 8 से 12% के बीच में है, चाहे वो नए ग्रीनफील्ड हो या एग्जिस्टिंग। इस पर इसके पीछे का कारण है, कारण कहीं ना कहीं कोरोना से जुड़ा हुआ है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि कंस्ट्रक्शन जो चीज़ें लगती हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो होता है उसके अंदर जो जो चीज़ें लगती हैं वो महंगे हो रहे हैं और लेबर भी महंगा हो रहा है। तो आइए डिटेल में बात करते हैं इस पर। एक घर बनने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, चाहे वो सीमेंट हो, कॉन्क्रीट हो, या स्टील हो, या लकड़ी, या और भी कोई चीज़। आप जैसे फर्नीचर्स के लिए भी जो चीज़ें इस्तेमाल में आती हैं, पेंट होते हैं, बाकी सारी जो प्लाईवुड, ये सारी चीज़ें जो एक इमारत बनने की मैं बात कर रहा हूँ उसमें जो भी चीज़ें लगते हैं वो बड़े महंगे हो रहे हैं। दरअसल कोरोना के दूसरे वेव के बाद खास करके बिल्डरों ने जो पहले दूसरे जगह से माल मंगाते थे वो अब जो नज़दीकी सबसे ज़्यादा अवेलेबल हो गया है उसे मंगा लेते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा एक इशू हो गया था। और ट्रांसपोर्टेशन में आजकल जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बहुत ज़्यादा हैं, उसके वजह से भी लोग नज़दीक जितना मिल रहे हैं उतना ले रहे हैं। तो उस कारण भी महंगाई में जो एक है बढ़ रहा है, क्योंकि नज़दीक अगर उन्हें महंगा भी मिल रहा है तो वो ले रहे हैं क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते डिले, और डर कि बहुत दूर से अगर आया और कहीं लॉकडाउन या कुछ इस तरीके का कुछ हो जाए तो उस कारण वो सामान ठीक तरीके से या जल्द टाइम पर ना पहुँच पाए। इस कारण जहाँ नज़दीक मिल रहा है वहाँ से ले रहे हैं, तो नज़दीक जो मिल रहा है भले महंगा मिल रहा है पर ले रहे हैं, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उनका बढ़ जा रहा है। दूसरा जो मैंने कहा लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट इस कारण बहुत बढ़ रहा है क्योंकि आजकल लेबरों पर बहुत खर्चा करना पड़ रहा है। जैसे कोरोना काल में जो टेस्ट करने हैं मैंडेटरी हैं, उसके अलावा बहुत सारे इंतजाम करने होते हैं साइट पर, जो एक एडिशनल बर्डन है कंस्ट्रक्शन यानी रियल एस्टेट डेवलपर्स जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनके ऊपर। और इसको भी वो काउंटर करने के लिए कहीं ना कहीं ये सारा का सारा कॉस्ट लगेगा। तो लगता है जी हाँ, घरों की कीमतों पर, क्योंकि कोई बिल्डर घर दान देने के लिए नहीं बनाता, ऑब्वियसली हर कोई प्रॉफिट के लिए बनाता है, या तो प्रॉफिट भी नहीं तो कम से कम जितना उसने लगाया है उतना तो उससे मिल जाए, यानी अगर 1 रुपया लगाया है तो कम से कम 1 रुपये 10 पैसे तो मिल ही जाए ताकि उसकी घर भी चल सके। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, सीमेंट, कंक्रीट, स्टील, ये सारी चीज़ तो महंगे हो ही रहे हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ रहा है, लेबरों पर भी खर्चा, साइट पर भी खर्चा ज़्यादा करना पड़ रहा है। इसके वजह से घरों की कीमतों पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। जो रिपोर्ट है वो कहती है कि तकरीबन 10% 12% या 8 से 12% मैं कहूँ, तो ये एक अंदाजन फिगर है जो न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनके ऊपर इतनी बढ़त हो रही है, इतनी कॉस्ट की बढ़त हो रही है। तो आने वाले दिनों में आपको शायद घर बहुत महंगे बिकते हुए दिखे। 10% का कॉस्ट मतलब बहुत बड़ा कॉस्ट हो जाता है एक आम इंसान के लिए। तो इस कारण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण अपडेट है। squarefeetindia.com ये एक रियल एस्टेट न्यूज़ वेबसाइट है और ये स्क्वायर फीट इंडिया का चैनल है। हम हमारे वेबसाइट और चैनल के जरिए आप तक रियल एस्टेट जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर विजिट भी कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।